हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से लेकर आई हूँ मेरी एक नई रेसिपी, जो कि मैं बनाऊंगी फ़िश के साथ, और इसका मैंने नाम दिया है होल फिश करी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ मछली लिया है, उसको मैंने पीसेस नहीं किए हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा करके रखा है, और इसमें दो तीन चीरा लगा लिया है। नमक, हल्दी और मिर्च पाउडर के साथ मैं इसको मैरिनेट करूंगी, और सभी फ़िश को मैं एक साथ नहीं बनाऊंगी। दो फिश को मैं पहले फ्राई करके अलग से रख दूंगी, और बाकी तीन फिश के साथ मैं अपना रेसिपी बनाऊंगी। तो देखिए, नमक हल्दी दे दिया है मैंने, अभी इसमें दे दूंगी मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और इसको सभी को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, और जहाँ पर हमने चीरा लगाया हुआ था उसमें भी हम मसाले को अंदर तक लगाने की कोशिश करेंगे, और सभी को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। आप दूसरा कोई भी फिश ले सकते हो, कुछ भी मीडियम साइज का फिश, या फिर आपको अगर बड़े फिश के साथ बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा फिश होने से उसको प्रॉब्लम हो जाएगा कढ़ाई में चढ़ाने पर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ के तेलापिया, हम इसको बोलते हैं तेलापिया माछ, आप क्या बोलते हो इसको ज़रूर कमेंट में बताना। तो यही फ़िश मैंने लिया है, और इसको अच्छे से नमक, हल्दी और मिर्च के साथ मैरिनेट करेंगे, और कुछ समय के लिए हम इसको छोड़ देंगे, बाकी सभी दूसरे मसाले और सब्ज़ी हम अरेंज कर लेंगे तब तक। और इस फिश को जब हम बनाएंगे, हम इस फिश को फ्राई नहीं करेंगे, और इसको हम एक साथ पूरा का पूरा पका लेंगे, पहले हम इसको फ्राई नहीं करेंगे जैसा हम दूसरे डिशेस में बनाते हैं। तो देखिए, तेल गरम हो गया है, मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक दे दिया है, प्याज, 3 ग्रीन चिलीज, 2 टमाटर और 2 प्याज को हमने पेस्ट करके लिया है, और 1 छोटा सा प्याज को हमने चॉप करके लिया है, और 3 ग्रीन चिलीज को हमने ऐसे चीरा लगाया हुआ है। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अभी हम अपना 2 फिश को फ्राई करके रख देंगे। और थोड़ा सा गरम तेल हम लेंगे, जो बाकी बचे हुए फिश हैं उसमें हम डालेंगे, जो हमने रख दिया था। ये जो डिश है हम ज़्यादा तेल में नहीं बनाएंगे, बहुत ही कम तेल में बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है, और बहुत ही जल्दी और इजीली बन जाता है, कोई भी बैचलर इसको बना सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें करीब 1 बड़ा चम्मच तेल दिया है, और इधर हमारा फिश भी फ्राई हो गया है एक साइड से, दूसरे साइड से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे, और इसको हम फ्राई करके रख देंगे अलग से, क्योंकि हमें ज़्यादा फिश नहीं बनाना है। और अभी हम टमाटर का पेस्ट और जो हमने चॉप किया हुआ प्याज, ग्रीन चिलीज रखा है उसमें, देखिए मैंने टमाटर और प्याज के पेस्ट में नमक मिलाया हुआ है, 1 चम्मच नमक और करीब 1 चम्मच हल्दी, सभी मसाले हम इसी पेस्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को पेस्ट किया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज को पेस्ट किया है। आप मिर्च पाउडर की जगह कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो। इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा कम, और जो चॉप किया हुआ प्याज है वो भी हमने इसमें डाल दिया है, ग्रीन चिलीज हमने उसको भी डाल दिया है, सभी को एक साथ मिक्स करेंगे। पहले सभी मसाले और टमाटर प्याज को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फिश के साथ भी मिक्स कर लेंगे, फिश के ऊपर भी मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। सभी हमने अपने फिश पर डाल लिया है, अभी हम फिश को भी मसाले के साथ एक साथ मिक्स कर लेंगे।
इसीलिए हमने फ़िश को पहले ही थोड़ा सा मैरिनेट किया हुआ है ताकि इसमें अंदर तक नमक, हल्दी और मिर्च जो है फिश के अंदर तक चला जाए। तब तक हमने मसाले, टमाटर और प्याज उसको भी पेस्ट कर लिया था। अभी आप सभी मसाले को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। इससे हमारा डिश का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा ही तेल है, अभी हम उसी तेल में अपना खाना बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फिश को अलग से उठाकर तेल में डाल देंगे, उसके बाद हम मसाले को कढ़ाई में डालेंगे। अभी हम अपना मसाला उसमें डाल रहे हैं और इसी बोल में हम थोड़ा सा बाद में पानी मिला लेंगे और जो बाकी बचा कुचा मसाला है उसको अच्छे से धोकर इसमें डाल देंगे। इसको हम लो टू मीडियम आंच में पकाएंगे। फिश को बहुत ही सावधानी से हमें पलटना होगा, दोनों साइड से इसको पकाना होगा। हमने फिश को फ्राई नहीं किया है तो इसको पलटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें संभल के इसको पलटना होगा, नहीं तो ये टूट सकता है। ढक देंगे इसको करीब 10 मिनट के लिए। हम इसको दूसरे साइड से पलट देंगे। अभी हम इसमें अपना बोल को धोकर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा स्टीम बढ़ा देंगे इसमें। ढक देंगे फिर से इसको 10-12 मिनट के लिए। देखिए 10-12 मिनट बाद मेरे पास दो धनिया पत्ता था। मैंने अपने छोटे से पतीले में बिलायती धनिया का एक पौधा लगाया था, उसी में से मैंने दो पत्ते लिए हैं और उसको छोटे छोटे करके चॉप करके डाल दिए हैं। अगर आपके पास बिलायती धनिया नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा धनिया है जो कि हम अवेलेबल मिलता है मार्केट में, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं, कोरिएंडर लीव्स, वो भी डाल सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस सीज़न में वो पत्ता भी मिलना काफ़ी मुश्किल है। हम फिर से इसको ढक देंगे और थोड़ा सा सूखने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। आह, बहुत ही अच्छा एक स्मेल आ रहा है, बहुत ही एक टेस्टी एक स्मेल, और दिखने में भी ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। और हमारा फिश भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और आपको मैं बोल में सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा डिश एकदम रेडी है, टेस्टी डिश। ये आप ज़रूर घर पे बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए। और इस फिश को आप क्या बोलते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।